नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार शिक्षा विभाग के रडार पर आए 8000 प्राइवेट स्कूल। नीतीश सरकार की सड़कों की मरम्मत के लिए नई नीति। मखाना की खेती का अब फसल बीमा कराई जा सकेगी। अनाथ बच्चों के लिए खुशखबरी। बिहार में अगले 7 दिनों तक मेहरबान रहेंगे इंद्रदेव। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 18 अगस्त से अस्पतालों में जीविका समूह की नई जिम्मेदारी। बिहार के जीविका दीदी एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। जीविका महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने पहले ही अस्पतालों में पैंट्री सेवाएं प्रदान की है और अब ये समूह जिला अस्पतालों और 4 सब डिविजनल अस्पतालों में लॉन्ड्री और सफाई का काम भी संभालेंगी। 18 अगस्त से ये नई जिम्मेदारियां शुरू की जाएंगी, जिसमें पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह जिला अस्पताल, पाली, मसौढ़ी, दानापुर और बाढ़ में 4 सब डिविजनल अस्पताल शामिल हैं। इसके साथ ही जीविका समूह अम्बेडकर विद्यालय के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म सिलने का काम भी करेंगे। जीविका के मैनेजर विपिन कुमार ने कहा कि 15 अगस्त से पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह जिला अस्पताल में लॉन्ड्री सेवाओं का काम शुरू कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार की सड़कों की मरम्मत के लिए नई नीति। नीतीश कुमार की सरकार ने सड़कों की मरम्मत को लेकर एक नई नीति लागू की है, जिसमें अभियंताओं के लिए ठोस निरीक्षण मानक निर्धारित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को विभागीय समीक्षा बैठक में इस नीति का खुलासा किया। इसके तहत कनीय अभियंताओं को सप्ताह में एक बार, सहायक अभियंता को 15 दिनों में एक बार, कार्यपालक अभियंता को महीने में एक बार और अधीक्षण अभियंता को क्षेत्राधीन पथांश के एक तिहाई भाग का अनिवार्य निरीक्षण करना होगा। बिहार में अगले 7 दिनों तक मेहरबान रहेंगे इंद्रदेव। बिहार में तेज हवा और बारिश होने के बाद लोगों को राहत मिल गई है। देश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। इसी बीच बिहार के ज्यादातर नदियों का जलस्तर जो है बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार के किशनगंज, अररिया, बक्सर, कैमूर, पूर्णिया जिले में भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान मुजफ्फरपुर, सिवान और चंपारण में अच्छी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। साथ ही अगले 2 दिनों तक हवा की रफ्तार में भी तेजी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त तक बिहार के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। इसके साथ ही इस दौरान वज्रपात गिरने के भी आसार हैं। मखाना की खेती का अब फसल बीमा कराई जा सकेगी। राज्य स्तरीय मखाना महोत्सव 2024 किसानों के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। रविवार को ज्ञान भवन में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव के समापन समारोह में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मंत्री ने बताया कि सरकार मखाना की खेती के लिए भी अब फसल बीमा योजना लागू करेगी, ताकि किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा या अन्य समस्याओं से राहत मिल सके। समारोह के दौरान मंत्री ने मखाना व्यंजन प्रतियोगिता की विजेताओं को भी सम्मानित किया। मधुबनी के आशुतोष ठाकुर को प्रथम पुरस्कार के रूप में माइक्रोवेव ओवन और प्रशस्ति पत्र मिला। पटना के आभा सिंह को द्वितीय पुरस्कार के रूप में इंडक्शन स्टोव और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और पटना की अनु सिन्हा को तृतीय पुरस्कार के रूप में इलेक्ट्रिक राइस कुकर और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। अनाथ बच्चों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग की नए फोस्टर केयर प्रोग्राम के तहत अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए प्रति माह 4000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि प्रत्येक फोस्टर केयर परिवार को प्रति माह 4000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं या निकटतम समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। आवेदन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करनी होगी। ये जानकारी आईपीआरडी बिहार की एक्स के तरफ से दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग के रडार पर आए 8000 प्राइवेट स्कूल।
बिहार के नीतीश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब तक 20,000 स्कूलों ने आवेदन किया है, लेकिन 8,000 स्कूलों ने अब तक आवेदन नहीं किया है। ये संख्या राज्य में मौजूद 40,000 निजी स्कूलों से काफी कम है। इस लापरवाही को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलों के अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूल पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियम तोड़ने वालों के स्कूल अगर निर्धारित तिथि के बाद भी चलते रहे तो उन्हें हर दिन के हिसाब से 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि, SDRF के जवानों ने सभी लोगों को बचाया। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण दक्षिण बिहार के सीमावर्ती इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसी बीच रोहतास के सासाराम में सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पशुओं के लिए चारा लाने गए बिहार और झारखंड के 40 लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। SDRF की टीम इनके लिए देवदूत बनकर आई और रेस्क्यू कर सभी की जान बचाई है। दरअसल चुटिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 15 से अधिक पशुपालक सोन नदी के बीच में स्थित ऊंचे स्थान टीले पर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए SDRF की टीम को लगाया गया और सभी को सुरक्षित बचाया गया। नालंदा में फल्गु और लुकाई नदियों में बाढ़, तटबंध टूटने से 68 घर प्रभावित। बिहार में लगातार हो रही बारिश से सुबह की नदियां उफान पर है, कई तटबंध टूट रहे हैं तो कई सड़क धंस रही है। रोहतास में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोहतास में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कटिहार में गंगा और कोसी नदियों के उफान से निचले क्षेत्रों में बाढ़ का असर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश के साथ साथ मौसमी नदियों के जलस्तर में वृद्धि ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। नालंदा जिले में भी स्थिति चिंताजनक है। मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी का खुलासा। पटना पुलिस ने मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। 16 जुलाई को सचिवालय के मेल अकाउंट पर आई धमकी भरी मेल बिहार निवासी एक व्यक्ति द्वारा भेजी गई थी, जिसने जानबूझकर अपने परिचितों को फंसाने के इरादे से ये मेल किया था। हालांकि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। फिलहाल आरोपी बिहार से बाहर है और उसकी तलाश जारी है। इस मामले की जाँच में पटना पुलिस, ATS और IB शामिल है। DIG सह पटना SSP राजीव मिश्रा ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में बड़ा घपला। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाना प्रधानाध्यापकों को महंगा पड़ गया। हाल ही में शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जिले में स्कूलों द्वारा मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट में गड़बड़ी की गंभीर शिकायतों की जांच की है। इसके बाद स्कूलों द्वारा रिपोर्ट में बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाने के मामलों में 42 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस गड़बड़ी की वजह से सरकारी खजाने को 16,00,000 रुपए से अधिक की चपत लगी है। ये सभी घटनाएं 13 जून से 31 जुलाई के बीच की बताई जा रही हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया है। पटना में स्वतंत्रता दिवस से पहले 100 फीट ऊंचे तिरंगे की तैयारी। इस बार 15 अगस्त पर गंगा पथ पर 100 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है। इसके लिए पोल लगा दिया गया है। दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक नए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले यहां हाई मास्ट तिरंगा लगा दिया जाए। तिरंगा वाले गुलंबर में वाटर फाउंटेन लगाकर उस जगह का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दीघा गुलंबर से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक 7 किलोमीटर में 150 से अधिक जगहों पर मिट्टी भरकर नए गुलंबर का निर्माण किया जाएगा। इसे प्लांटर बीट का नाम भी दिया गया है। मिट्टी भरकर इस स्थलों पर पौधे लगाकर हरित पट्टी विकसित की जाएगी। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 36.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना सिटी के MD अनिमेश कुमार पराशर ने संबंधित अफसरों की बैठक को लेकर प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की है। विदेशी शराब की 192 बोतलें बरामद।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया के नए नए तस्करी के तरीके जो है सामने आ रहे हैं। हाल ही में नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार झारखंड बॉर्डर पर एक बड़ी सफलता हासिल की है। रजौली समेकित जांच चौकी पर वाहन चेकिंग के दौरान इनोवा कार की सीट के नीचे बनाए गए गुप्त तहखाने से विदेशी शराब की 192 बोतलें बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए शराब कारोबारी की पहचान गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के मुसरैना गांव के निवासी संदीप कुमार के रूप में की गई है। साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने दो अलग अलग बसों से शराब परिवहन में जुटे दो अन्य तस्करों को भी पकड़ लिया है। बिहार पुलिस पर पप्पू यादव का निशाना। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं और राज्य की सरकार अब अधिकारियों और माफियाओं के हाथ में है। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है और इस पर काबू पाने की जरूरत है। पप्पू यादव ने यह भी ऐलान किया कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों के खिलाफ अधिकारियों और पदाधिकारियों का वीडियो या ऑडियो प्रदान करता है तो वे उनकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने बिहार पुलिस की अनुशासनहीनता पर भी चिंता जताई और कहा कि पुलिस में अब कोई अनुशासन नहीं बचा है। उन्होंने डॉक्टरों को भी चेतावनी दी और कहा कि अगर डॉक्टर मरीजों का शोषण करना बंद नहीं करेंगे तो वे सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। सम्राट चौधरी ने पटना को बताया बिहार की मिनी छवि। पटना के गर्दनीबाग में आयोजित बैठक में सम्राट चौधरी ने बिहार में एनडीए की सरकार की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जुट जाएं तो एनडीए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतेगी। सम्राट चौधरी ने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी जताई है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि पटना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये बिहार की मिनी छवि है। 30 सालों के शासन को मुक्त कराना चाहते हैं पीके। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वे सिर्फ एक पार्टी नहीं बना रहे हैं बल्कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों के लिए एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लोगों को लालू और नीतीश और भाजपा के 30 सालों के शासन से मुक्त कराने में मदद कर रहा हूँ। उन्होंने दावा किया कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 1 करोड़ लोग मिलकर एक दल बना रहे हैं। 2 अक्टूबर को बिहार के 1 करोड़ लोग इस पार्टी के गठन के लिए इकट्ठा होंगे, यह एक ऐतिहासिक घटना होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनोद महात्मा, पप्पू गायत्री, योगेश भारद्वाज, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, ज्योति कुमारी, वरुण कुमार, धुरेंद्र पाल, अनवर करीम खान, अमित कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीते दिन इंडिया और श्रीलंका सेकेंड ओडीआई मैच में इंडिया का हारने का क्या कारण रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।